Assalamualaikum and hello people, what's up? Welcome back to Shokadak Reaction. मैं मोहम्मद शाविस. नूर जिनायत. ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं प्रॉमिस के हिसाब से, यू नो, एज प्रॉमिस्ड, जवाब शिकवा. अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, हमने शिकवा द कंप्लेंट रिएक्ट कर दिया या फिर वो था. आई सिंबल डाल दो ना, वो होता ना हाँ, नहीं, वो तो मैं डालूंगा ही, बट स्टिल. एंड ये तो हम लोग कर रहे हैं बैक टू बैक. 10 मिनट का ब्रेक भी नहीं मिला, लेकिन आपको एक दिन का ब्रेक मिल गया. सो सेम थिंग, अर्तुरुल गाजी, उस्मान गाजी, मलिक शाह, सैंजर, इनके सारे ग्रिम्स को उठा के बनाया गया वीडियो बाई ADDX जोन. एंड आई थिंक सेम इनकी ही आवाज़ होगी, जिया साहब की और ए आलमा इकबाल का पोएट्री, यू नो, कलाम है. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन जवाब शिकवा. उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. हमारे ऑफिशियल कड़क रिएक्शन के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. लेट्स स्टार्ट. और तेरे तौहीद का हर दिल काट कर रख दिए, कुफार के लश्कर गिरा है, एक वफादार नहीं. पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं. हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाय से रुसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं. बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए. वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाला सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था. किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब आजाद पे कैद रमजान भारी है, तो भी कह दो यही आईने वफादारी है. कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो. सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फर्दा हो, क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, तमें तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवि लव से मरा हाथ से पाक, शजर फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, था शजात में वो एक हस्ती फौकुल इदरात, गुदगुदौजी नम कैफियत से पौयश, खौली अस्थि शुदा सूरत में नौयश. हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्चित, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर थे, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था, बाप का इल्म बेटे को अगर असबर हो तो पिसर काबिले नीरा से पिदर क्यों कर, हर कोई मस्ते मए जौक तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर, तुम हो आपस में गजबनाक वो आपस में रहीम,
तुम खता कारो खता दीन, वो खता पोशो करीम, चाहते सब हैं कि हूँ और जिस सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम, तख्त फ़ख़्फ़ूर भी उनका था शरीर कै भी, यूं बातें हैं कि तुम में वो हमीयत है भी, खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूर व खुददार, तुम अखुवत से गुरेजान वो अखुवत पे निसार, तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्ता बकनार, अब तलक याद है कौमों को हिदायत उनकी, नक्श है सफ़े हस्ती पे सदाकत उनकी, अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ से बल्ला के लिए आग है तकदीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, मनफिरत एक है इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी लेके तो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, कौन है तारिके आईन रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अग्यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, जहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से, वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरतबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अजा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आदमी, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। Assalamu alaikum, yaar. My name is Sadex and thank you so much for watching with this video. Play. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो make sure to leave a like and subscribe my channel. मैं एक edit based YouTube channel हूँ जो सिर्फ seasons को ही नहीं बल्कि daily life में जो cinematics होते हैं उनको भी लेके चलूँगा आगे. So yeah, class. Good. बढ़िया लाइक इन द लास्ट थिंग वॉज लाइक थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत स्वीट सा लगा, द पर्सन हू डिड ऑल दिस थिंग्स वी गॉट टू हियर हिज वॉइस, हां दैट्स रियली गुड। आई डोंट थिंक ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, नो नो, ही लुक्स लाइक सम एक्सेंट से कैनेडियन लगा हूँ मुझे, हाँ अमेरिकन या कैनेडियन, ब्रिटिश तो नहीं लगा हूँ, मोस्टली कैनेडियन लगा एक्सेंट और टोन से। Yeah, maybe from Pakistan to Canada, something like that. Pakistan. Maybe. हाँ हाँ पाकिस्तान के बहुत सारे कैनेडा, एंड आई वॉन्ट टू सी द पिक्चर, अगर फोटो हो तो इनकी मोहम्मदीन साहब की,
शायद मिल जाएगी जिया साहब के, या आई थिंक मिल जाएगी मुहिउद्दीन जिया, जिया मुहिउद्दीन, जिया मुहिउद्दीन, ये सुनो सी हिज पिक्चर, यू शुड कैन पुट इट लेटर इफ इफ यू इन केस फाइंड इट। हाँ ओ ये है, अरे जियामुद्दीन साहब ये शायर हैं ये भी, इज इट, हाँ ये भी शायर हैं जियामुद्दीन साहब। हाँ अच्छा इनका सुना है क्या? बहुत बड़े, हाँ हमारे घर में शायर होते थे, हम सुनते थे इनके कलाम बहुत सारे, इनकी आवाज़ में सुनते थे। अच्छा ईटीवी उर्दू में तो बहुत छाए हुए थे, कभी कभी आते थे इनके, शायद पाकिस्तान से आई थिंक ये पहले से ही रिकॉर्डेड होगा क्या, शायद नहीं है, नहीं 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 इनको बुला के बाखदा रिकॉर्ड किया गया है इसको जियामुद्दीन साहब को, जियामुद्दीन साहब भी शायद अभी हैं, ये इंतकाल नहीं हुआ अभी भी हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट स्टिल इनके कलाम को उठा के इन्होंने एडिटर ने इसको यूज़ किया है, फिर एडिटर नहीं 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 एडिटर ने बनाया है मोस्टली, इन्होंने रिकॉर्ड किया क्योंकि द कमांड द क्वालिटी जिस जो क्वालिटी इन्होंने बनाई है, इनका आवाज़ एकदम पिच सेम है, वो ये रिकॉर्ड है, इंटेंशनली रिकॉर्ड है ये, विद अ वेरी गुड सेटअप रिकॉर्ड किया गया है इसको जियामुद्दीन साहब ने। एंड आई वॉज वंडरिंग कि इतनी ज़्यादा वो पता था कि ये एक इंसान है जिन्होंने जिनकी एज कम से कम 70 होगी ऐसा लगा यहाँ पे कम से कम, उसके ऊपर से ऐसा लगा कि ये बहुत उर्दू जानते हैं और उर्दू लिखे हुए हैं बहुत सारा, तो क्योंकि वो जो लफ्ज़ थे थोड़े से जहाँ पे टोन चेंज होना था वो एवरीथिंग वाज एप्ट यहाँ पे, तो मुझे लगा कि इट कुड बी समवन, अभी देखा तो चलो पता लगा जियामुद्दीन साहब ये हैं बोल के, इनको बहुत सुना है हमने ईटी उर्दू में, बेसिकली जो दुबई में होते थे इनके ये मुशायरे, तो वो उसका जो फुटेज दिखाते थे कभी कभी ईटीवी उर्दू में, तो वहाँ पे यहाँ पे ईटीवी उर्दू का चैनल है तो बता दें हमको कि यहाँ पे क्या था कि एक ज़माना था कि ईटीवी उर्दू ने ही उर्दू को ज़्यादा यहाँ पे माइलेज दिया इंडिया में। ईटीवी और टॉकिंग और क्यूटीवी, ईटीवी उर्दू, आई विल टेल यू ईटीवी उर्दू क्या था बोल के, क्या हुआ कि आफ्टर 2000 वी हैड अ चैनल कॉल्ड डीडी उर्दू। हाँ क्या क्या हुआ कि आफ्टर दी एडवेंट ऑफ केबल नेटवर्क्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गए 2000 पर्टिकुलरली 2000-2001 के बाद बहुत ज़्यादा केबल नेटवर्क का इस्तेमाल होने लगा इंडिया में, एंड ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैड टेलीविजन बाई 2002-2003 बिकॉज वी वर गेटिंग गुड टीवीज वाज बैक देन आईवा की वगैरह वगैरह, तो हर एक घर में, लेकिन तब क्या था कि पीपल स्टार्टेड स्टॉप्ड वॉचिंग डीडी के चैनल्स, सिमिलरली व्हाट हैपेंड कि उन्होंने भी पुश करना छोड़ दिया, तो डीडी उर्दू चला गया ऑलमोस्ट निकल गया, और डीडी उर्दू में जो मुशायरे होते थे वो भी कोई पुराने मुशायरे होते थे एंड रेयरली होता था वो उर्दू प्रोग्राम, तो उसमें क्या हुआ कि रेयरली उर्दू के भी मुशायरे होते थे लेकिन बहुत ही रेयरली दिखाए जाते थे, देयर यूज्ड टू बी लाइक हाफ एन आवर के लिए और पूरा मुशायरा हाफ एन आवर ऐसे दिखाया जाता था। देन व्हाट हैपेंड ईटीवी उर्दू केम अप, ईटीवी उर्दू ने क्या किया कि महफिल मुशायरा बोल के एक प्रोग्राम आता था सैटरडे को, एवरी सैटरडे को आता था महफिल मुशायरा बोल के, एंड इट यूज़ टू बी 3 आवर प्रोग्राम, बहुत लंबा होता था, ओनली ऑन सैटरडेज 3 आवर, हाँ 3 आवर हुआ करता था महफिल मुशायरा बोल के, हर घर में देखा जाता था महफिल मुशायरा जहाँ जहाँ पे उर्दू है वहाँ पे, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी से उर्दू वापस आया इंडिया में, लोग स्टार्टेड देखना पड़ा और लोगों को लोग देखना शुरू कर दिया दोबारा से, वहाँ पे मैं देखता था यहाँ पे वही शायरी का माहौल, यहाँ पे इंडिया का बोल रहा हूँ मैं, वहीं पे मैंने जियामुद्दीन साहब को देखा था, मैंने बचपन से देख रहा हूँ मैं उनका, लगा एक सिमिलर लगी आवाज़ मुझे इनकी, बट द ईज जो ठहराव और जो संभाला किसने, तो क्या तुम मुसलमान हो, तो ऐसा है वो बज रहा हूँ वो मोहब्बत और वो क्वेश्चन ना ही आवाज़ इंक्रीज़ करेगी, आजकल क्या है कि चीखना बहुत है, मैंने बयानों में भी सुना है कैसे चीख मुसलमानों जागो ऐसे बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूँ उससे गंदा बोलते हैं, भी नॉट ओनली चीखना उनके एक्शंस भी एकदम लाउड हो जाते हैं, लाउड होते हैं, अरे मुसलमानों ऐसे बोलते हैं वो, यहाँ पर देखो मुसलमान हो तो कैसे आवाज़ पूछ रहे हैं वो, कि सदा अंदिल तक जाती है कि बिना चीखे बिना चिल्लाए आप एक ऐसा कुछ कम्युनिकेट कर दो कि लोगों तक बात पहुँच जाए, और लोग हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बिकॉज बात करना पड़ता है हमको, अदरवाइज हम बात ही नहीं करते, हम बस बैठ जाते आराम से कि भाई क्या सुन लिया अभी कैसे सुना दिया बोल। हाँ यहाँ पर आई थिंक कभी कभी हमें क्या होता है कि सुनने के बाद हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं, दो दो
30 सेकेंड एक हाँ मिनट सो दैट यू नो समझ नहीं आता कि क्या बोलें किस तरीके से इसको यू नो उस जोन से बाहर उस जोन से निकले। बाहर निकले। और अगर या आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हमें नुसरत साहब के वीडियोस के साथ ही होता है आई थिंक उसके बाद यही वीडियोस हैं जिन्होंने इतना यू नो वो इफेक्ट किया है हमारे ऊपर। एंड आई थिंक या जैसे इन्होंने बोला कि उनका एक्सपीरियंस बोलता है बिकॉज जो बोल रहे थे यू नो जवाब शिकवा में क्या था कि वर्जन क्या थे स्टार्टिंग में वो यू नो बोल रहे थे कि ये हुआ तो कैसे हुआ क्यों हुआ एंड ऑल दो स्टफ और बीच में यू नो वो अचीवमेंट्स बोल रहे थे और लास्ट में वो क्वेश्चन कर रहे थे। तीन चीज़ों में तीन अलग तरीके की आवाज़ और अलग तरीके का तरीका था उनका बोलने का और खासकर जो लास्ट का था आई थिंक कोई भी बैठ के अगर यू नो चला जाए क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाए कि क्या है यू नो सोचने लग जाए उस बात को आई थिंक ये डिजर्व भी करता है यार यू नो ये जो कलाम है उसके बाद बहुत सारे लोग अगर बैठ के सोचें तो सोचने लग जाएंगे खामियां निकालने लग जाएंगे कि हम क्या सही हैं क्या हम गलत हैं या आई थिंक थॉट एंड क्या जो थॉट था आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेंडिशन ऑफ हिज कलाम। आई थिंक इससे बेहतर शायद खवाले में भी अगर आप बोलते तो उतना इफेक्टिव नहीं तो जितना इन्होंने सिंपल सिंपल लफ्ज़ों में एक म्यूज़िक डाल के उन्होंने जो ख़त्म कर दिया इस चीज़ का आई थिंक दिस इज़ मोर इफेक्टिव। एंड आई थिंक शिकवा वॉज क्वाइट इफेक्टिव बिकॉज शिकवा में क्या था कि ज़्यादा जो बैकग्राउंड वॉइस है नहीं ज़्यादा यूज़ नहीं की गई थी यहाँ पर बहुत वॉर सीन्स को वगैरह बहुत लाउड किया गया जिसकी वजह से उनकी आवाज़ नहीं दब रही थी अंदर आई थिंक वो नहीं करना चाहता बिकॉज बहुत चीज़ें वो बोल रहे थे जो कि आवाज़ बैकग्राउंड वॉइस के लिए शायद मिस हो रहे थे यू नो बट या डेफिनेटली अ गुड वीडियो अगेन अ गुड एडिट बाई द ADDX जोन अच्छा काम किया है फिर से उन्होंने आई थिंक ये बहुत जल्दी उन्होंने आई थिंक एक महीने के बाद उन्होंने निकाल दिया था ये जवाब शिकवा। भाई बहुत मेहनत लगती है उसमें हम लोग मेहनत देख रहे हैं उनकी जिस तरीके से मेहनत की है एंड यू नो द होल वीडियो को उन्होंने ग्रेडिंग की है बिकॉज़ यू नो वो ओरिजिनल क्वालिटी और ओरिजिनल कलर्स नहीं है एंड आई थिंक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ दिस यू नो कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम TRT उन्होंने वो भी की हैं एंड आई थिंक उन वो डिज़र्व करते हैं भाई उनके चैनल को यू नो सब्सक्राइब करना तो बनता है बिकॉज बहुत मेहनत की है या ज़िया साहब ने भी उनको उनका उनका तो आवाज़ है ही बट एडिटर ने बहुत अच्छा काम किया है। सो व्हाट डू यू से शिकवा और जवाब शिकवा जॉब शिक वॉज मोर इम्पैक्टफुल अच्छा तो नो वी के नॉट से ये कौन सा अच्छा था कौन सा ये था इट्स ऑल बोथ बट क्या था कि ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा दोनों ने भी हिट किया लेकिन जॉब शिक ने ज़्यादा हिट किया आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड इन कोक स्टूडियो ऑल्सो शिकवा ने हिट किया लेकिन जवाब शिकवा ने मे बी बिकॉज के वी थिंक ना कि ओके ओके हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड यार बोल के आई थिंक दैट्स वाई यू नो इट्स आई थिंक यार दैट इज मुझे कभी कभी तो लगता है कि यार अल्लाह ने ही इनसे ये बुलवाया था शिकवा अल्लाह ने ही जवाब शिकवा बुलवाया था कि अल्लाह ने ही थाट प्रोवोक किया था वैसे तो अल्लाह से ही हब होता है लेकिन खुसूसन अल्लामा इकबाल को अल्लाह ने ही कम्युनिकेट किया था मतलब वो थॉट डाले थे कि ऐसा क्या सोच के किया होगा यार शिकवा किया उन्होंने ब्रेक लिया फिर जेल गए फिर जेल में जाके बैठ के उन्होंने लिखा नहीं किसने बोला कि नहीं है ऐसा हुआ नहीं बोल के जेल वेल नहीं गए थे देयर इज टू डिफरेंट स्टोरीज यार एक लोग कुछ लोग कहते हैं कि जेल गए थे और जेल में ही बैठ के उन्होंने जवाब शिकवा लिखा था और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने जेल नहीं गए थे सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी लेकिन वो प्रिपेयर थे जवाब शिकवा के लिए और जैसे ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई वो जवाब शिकवा के साथ आ गए थे। देखिए शायर का प्रॉब्लम होता है क्या होता है कि दिल भी इन जोन राइटिंग जोन में होते हैं और वो थॉट चर्निंग होते हैं वो कहाँ से आते हैं थॉट पता नहीं होता वो एक मैजिक ही होता है बट स्पेल होता है देयर इज वन गाय आई थिंक वो उर्दू के बहुत बड़े यू नो फैन है मतलब उर्दू के बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने मुझे पर्सनली DM किया करके बताया था कि नहीं बहुत सारे ऐसे चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंट हैं लेकिन असल में क्या हुआ था कि शिकवा लिखा था उन्होंने और जवाब शिकवा उनके दिमाग में था लेकिन वो वक्त ले रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ थी यू नो अल्लाह की बात कह रहे थे वो और वक्त ले रहे थे इसी बीच में ये कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई तो उनको जेल जाना पड़ा और जेल में बैठ के उन्होंने जितना उनका ड्यूरेशन था उन्होंने जवाब शिकवा लिखा और फिर उन्होंने उसको पब्लिश किया सो आई थिंक आई बिलीव हिम बिकॉज उन्होंने वो बहुत सही सही मुझे इन्फॉर्मेशन देखे हैं पहले भी बट स्टिल आप लोग किसी को कोई जानते हो तो आई थिंक उनके ये बारे में गूगल में भी डिटेल्स ओके सो बीच में हम लोगों ने एक छोटा कट लिया था बिकॉज यहाँ इनको एक DM आया था वो DM पढ़ने वाले हैं याद आया मुझे सो लेट्स लिसन दैट फर्स्ट इनका नाम है सैफुल्ला मुबशिर हाँ सैफुल्ला मुबशिर नाम है इनका और इन्होंने मुझे बड़ा मैसेज किया था मैंने शायद ऊपर उस दिन मैंने ग्लैंस किया था मैंने ठीक तरह से उसको उतना दिमाग दिया पढ़ाने में आज शायद वो करूँगा मैं और अब से सुनिए कि क्या इन्होंने क्या क्या बोलती हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे समझाया कि कैसे वो कि
ये नहीं हुआ था, मतलब जो अल्लामा इकबाल के बारे में जो जवाब शिकवा का जो हुआ था वो उनको जेल वेल नहीं भी थी, उन्होंने समझाया मुझे एंड देन ही ओके वेलकम ओके। आज आपने शिकवा जवाब शिकवा पे रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इकबाल साहब को जेल हो गई थी एक्सेट्रा। मैं इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ गुस्सा ना होना और इग्नोर ना करना। हम कैसे करेंगे इग्नोर भाई आप जैसे प्यारे लोगों को। अल्लामा इकबाल ने पोएट्री बचपन से ही लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो पोएम्स आम पोएट्स की तरह ही होती थी, और आप ज़्यादातर पोएट्रिक पोएम्स लिखते थे। आप मतलब उनको रेफ़र कर रहे हैं, ऐसे उर्दू में रेफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नगमाए हिंदी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माशाल्लाह, जो इनका बेसिक है वो हमारे लिए ग्रेट है। तो 1905 में आप यूरोप पढ़ने गए थे पीएचडी करने के लिए। आपने कंप्लीट इस्लामिक नॉलेज हासिल की थी और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और लॉ भी पढ़ा था। इसके साथ साथ आपने फ़िलोसफी में मास्टर्स भी किया था। यूरोप जाकर जब आपने रिसर्च स्टार्ट की तो आपकी सारी आइडियोलॉजीज चेंज हो गई। फिलोसफी यूरोप में जाकर चेंज हो गई, आपने इस्लाम के मुताबिक अपनी आइडियोलॉजीज पैदा की। इसके बाद आपकी पोएट्री चेंज हो गई। पहले आप पेट्रियाटिज्म पर पोएम्स लिखते थे, लेकिन उसके बाद आपने पेट्रियाटिज्म का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। एक पोएम में तो आपने ये भी कहा कि दुनिया में दुश्मनी वेस्टर्न पेट्रियाटिज्म की थियरी की वजह से है। चीनो अरब वाली पोएम बाग़ दारा पार्ट नंबर 3 में है, और दूसरी पोएम भी बाग़ दारा के पार्ट 3 में आप पढ़ सकते हैं। पहले आप कहते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन फिर आपने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुसलमान है हम, वतन है जहाँ सारा हमारा। आपकी पोएट्री में स्पिरिचुअलिटी आई मौला जलालुद्दीन रूमी की पोएट्री की वजह से, जिन्हें आपने अपना स्पिरिचुअल मास्टर बना लिया था। ये 13वीं सेंचुरी के पर्शियन पोएट हैं, और अल्लामा इकबाल को इस स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल पोएट्री की वजह से पोएट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 1909 में आपने शिकवा लिखा, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान हार रहे थे और सब अल्लाह से दूर होते जा रहे थे। आपने ये लिखकर पहले लोगों को उनका चेहरा दिखाया और फिर जवाब लिखा। शिकवा में 100 वर्सेज हैं और जवाब शिकवा में 106 वर्सेज हैं। तो मैंने बोला कि बहुत ही आला सैफुल्ला भाई, मुझे ये सब एक और बार पढ़ने दें, फिर मैं आपको वापस आऊँगा। तो ये और कुछ लिखते हैं यहाँ पे, आई थिंक ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ। मुझे भी ये बहुत यू नो डीएम करके नुसरत साहब के बारे में एंड ऑल बोल के हैं मुझे, और बहुत सारे रिक्वेस्ट जी। तो सैफ अल्लाह मुबशिर साहब अभी एफएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर एफएससी कर रहे हैं, ये 18 साल के हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो अल्लामा इकबाल साहब के हैं, ये चाहते हैं कि वो इंसानों लोग दूर हो जाएं लोगों की सर, और ये ही ट्राइज टू यू नो ब्रिंग एन एंड टू ऑल द मिसकंसेप्शन पीपल हैव रिगार्डिंग अल्लामा इकबाल साहब, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ यू नो थिंग विच इज़ यू नो रिक्वायर्ड टू फॉर हिम टू नो इसको रखने के लिए लोगों के सामने। सैल्यूट टू हिम सर, मैं एक महीना हो गया था बोल के ये, एंड आई वॉज लाइक कंप्लीटली डिलेइंग इट, नाउ दैट वी गॉट अ चांस एंड आई हैव डन दिस। Thank you so much, Mubashir. Yeah, I think Saifullah, you know, we will love to learn more from you. Yep. You know, बहुत यंग हैं लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड आई जैसे ही उन्होंने नाम लिया मैं समझ में आ गया कि किसके बारे में बोल रहे हैं। सो ही यू नो बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे सजेशन भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके सजेशन पर हमने यू नो वक्त नहीं मिलता, लेकिन या दिस वॉज अ वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन। या सो ओवरऑल दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन जवाब शिकवा, ओके, एंड वी लव्ड इट। वीडियो की देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे। ओके, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम के लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। दिस इज मोहम्मद शाहवेज, मुझे नायत साइनिंग ऑफ।